तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो की सबसे खास बात है इसके किरदार जो दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। साथ ही अपनी ऑडियंस का ख्याल रखते हुए इस शो में सामाजिक, बच्चों और परिवार से जुड़े मुद्दे मनोरंजन और एक सीख के साथ दिखाए जाते हैं। यही सब खासियत इस शो को टीवी पर आने वाले बाकी शो से अलग बनाती है। लंबे समय से चले आ रहे इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है कि बॉलीवुड सितारे भी अपनी फिल्म प्रमोट करने शो पर एक बार जरूर जाते हैं। हर तरह के किरदारों से भरा ये शो हर उम्र के लोगों को पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो के ये किरदार जो लंबे समय से इसका हिस्सा है वो कितना कमाते हैं? शो की जान और लीड एक्टर दिलीप जोशी को हर एपिसोड के लिए 1.5 लाख तक मिलता है। पहले इनकी हर एपिसोड की कमाई करीब 60 से 70 हजार थी। इन्हें इस शो की जान कह सकते हैं। कम उम्र में एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाने वाले अमित की भी फीस बढ़ा दी गई है। इन्हें अब एक एपिसोड के लिए करीब 70 से 80 हजार मिलते हैं। पत्रकार पोपटलाल को हर एपिसोड पर करीब 50 से 60 हजार तक मिलते हैं। दिशा फिलहाल इस शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब दया इस शो का हिस्सा थी तो इनकी हर एपिसोड फीस जेठालाल मतलब दिलीप जोशी से भी ज्यादा थी। भव्या गांधी की जगह आए राज को पहले हर एपिसोड के 10 हजार रूपए तक मिलते थे, अब इनकी फीस बढ़कर 20 हजार हो गई है। रोगी को 15 से 20 हजार हर एपिसोड पर मिलते हैं। शो को होस्ट करने वाले शैलेश को हर एपिसोड के लिए 40 से 50 हजार रूपए तक मिलते थे, अब इनकी कमाई 1 लाख से अधिक प्रति एपिसोड तक पहुँच गई है। अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली नेहा को अब 35 से 40 हजार रूपए तक एक एपिसोड के लिए मिलते हैं। फीस में हुई बढ़ोतरी के बाद इन्हें 65 से 75 हजार रूपए हर एपिसोड के लिए मिलते हैं। बबीता जी को अब हर एपिसोड के लिए 60 हजार रूपए तक मिलते हैं। माधवी का किरदार निभाने वाली सोनालिका को अब हर एपिसोड के लिए 50 हजार रूपए तक मिलते हैं। कीड़े का करेक्टर प्ले करने वाले मंदार को अब 80 हजार रूपए हर एपिसोड के लिए मिलते हैं। अब्दुल अब 35 से 40 हजार रूपए तक हर एपिसोड कमा रहे हैं। कोमल भाभी को 45 हजार एक एपिसोड के लिए दिया जाता है। बाघा का किरदार निभाने वाले तन्मय को अब 40 हजार हर एपिसोड दिया जाता है। वैसे तो ये शो में कम ही नजर आते हैं, लेकिन इन्हें हर एपिसोड के लिए लगभग 30 हजार मिलता है। इन्हें 40 हजार रूपए तक एक एपिसोड के लिए मिलते हैं। इन्हें 30 हजार एक एपिसोड के लिए दिया जाता है। सोनी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण को अब 65 से 70 हजार रूपए हर एपिसोड मिलते हैं। इन्हें 35 से 40 हजार तक हर एपिसोड मिलते हैं। शो में दया बेन के भाई का किरदार निभाने वाले मयूर असल में उनके भाई हैं। इन्हें एक एपिसोड के लिए 20 हजार मिलता है।